वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करंट सिचुएशन में इस सेंटेंस का सही उपयोग कोई एलन मस्क से ही सीखे। अपने स्कूल जीवन में क्लासमेट से हरासमेंट सहने के बाद भी केवल 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक वीडियो गेम डेवलप कर लिया था। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे अपने स्कूल के सिलेबस तक को सही तरीके से समझ नहीं पाते, उस उम्र में उन्होंने एक गेम बना डाला। छोटे से उम्र में ही उन्होंने $500 कमाए उस वीडियो गेम को बेचकर। बिना कोई PhD या फिर बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स किए वो आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से गिने जाते हैं। वर्तमान में सबसे सफल प्राइवेट स्पेस एजेंसी SpaceX के संस्थापक हैं एलन मस्क, जिनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। उनके पिता का नाम एरल मस्क और माता का नाम माय मस्क है। एरल मस्क एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है जो खुद एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, नाविक और प्रॉपर्टी डीलर रह चुके हैं। एलन मस्क के माँ माय मस्क भी एक डायटिशियन और मॉडल थी, जिनका जन्म कनाडा में हुआ था। अपने 9 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने मम्मी पापा का डिवोर्स होते हुए देखा। स्कूल जीवन में एलन मस्क बहुत ही खामोश और इंट्रोवर्ट थे। इस स्वभाव का फायदा उठाते हुए स्कूल में उनके दोस्त परेशान किया करते थे। एक बार सभी हदें पार करते हुए उनको सीढ़ियों से धक्का दिया गया, उस कारण उन्हें हॉस्पिटल तक एडमिट होना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, इरादा अगर मजबूत हो तो कुछ भी हो सकता है। आज SpaceX नाम का एक सफल स्पेस एजेंसी के मालिक होने का सफर उन्होंने अपने 10 साल के उम्र से ही स्टार्ट कर दिया था। केवल 12 साल की उम्र में ही उन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सहारे ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम डेवलप कर लिया, जिसे बाद में उन्होंने PC एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम के एक मैगजीन को बेच दिया था। साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से पास आउट होने के बाद उनको US जाना था। उनको लगा डायरेक्ट US जाने से अच्छा कनाडा होके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाए, इसलिए उन्होंने कैनेडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। कनाडा में एक साल कुछ छोटे मोटे काम करने के बाद वो ओंटारियो के किंगस्टन शहर में स्थित क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ पर 2 साल पढ़ने के बाद वो US के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर हो गए थे। 1997 में वो इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में बैचलर्स डिग्री के साथ पास आउट हुए। 1994 में पिनाकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और रॉकेट साइंस गेम्स में इंटर्नशिप लेने के दौरान ही शायद उनको लग गया था बिजनेस का चस्का। हालांकि उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मटेरियल साइंस में PhD के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन उन्हें इंटरनेट बिजनेस का चस्का तब तक लग गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर वो अपने भाई और ग्रेग कॉरी के साथ मिलकर Zip2 नाम से एक कंपनी स्टार्ट किया। अपने बड़े होने का सफर एलन मस्क यहाँ से ही शायद देखने लगे थे। उनका ये कंपनी 1999 में कॉम्पैक ने $307 मिलियन से खरीदा था। कंपनी में शेयर के हिसाब से एलन को 7% शेयर मिला, जो कि $22 मिलियन होता है। 1999 में ही एलन मस्क X.com को लॉन्च किया। X.com एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी था जो ईमेल पेमेंट का भी काम करता था। ये स्टार्टअप US में FDIC के द्वारा एक्सेप्टेड होने वाले पहले ऑनलाइन बैंक्स में था। लॉन्च होने के कुछ महीने के अंदर ही इस ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस में 2 लाख कस्टमर्स ज्वाइन हो चुके थे। X.com बाद में PayPal के साथ मर्ज हो गया था। PayPal को ऑनलाइन पेमेंट में एक पॉपुलर नाम माना जाता है। बाद में PayPal को eBay नाम के ऑनलाइन बिजनेस कंपनी ने $1.5 बिलियन से खरीद लिया। PayPal छोड़ने के समय लार्जेस्ट शेयर होल्डर होने के कारण एलन मस्क को $100 मिलियन मिला। मार्स यानी मंगल ग्रह में पहले से ही रुचि रखने वाले एलन मस्क मार्स सोसाइटी के मेंबर थे। रशिया से कई बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की कोशिश में फेल होने के बाद वो खुद से ही रॉकेट बनाने में लग पड़े। अपने टीम के साथ मिलकर 2002 में उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन, जिसे SpaceX बोला जाता है, उसकी स्थापना की। 2021 तक वो कंपनी के CEO हैं। SpaceX पहला प्राइवेट कंपनी है जिसने ड्रैगन व्हीकल को यूज कर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सामान पहुंचाया। SpaceX के रीयूजेबल रॉकेट्स और स्टारलिंक सर्विस बहुत ही फेमस हैं। रिसेंटली मार्स मिशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और भी कई मिशंस पर ये कंपनी सक्सेस पा चुकी है। एलन मस्क टेस्ला कंपनी से भी जुड़े हैं। इलेक्ट्रिक कार के दुनिया में टेस्ला एक बहुत बड़ा नाम है। इस कंपनी के CEO भी एलन मस्क हैं। दोस्तों, सोलर सिटी कॉरपोरेशन नाम से US में एक सोलर एनर्जी जेनरेशन सिस्टम बनाने वाली कंपनी थी, जिसे एलन मस्क के 2 कजिन भाई ने बनाया था। बाद में 2016 को टेस्ला ने इसे एक्वायर कर लिया। अभी इस कंपनी को टेस्ला एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी मेनली बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट्स, फोटोवोल्टेइक सोलर एनर्जी जेनरेशन सिस्टम्स और कई कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाती है। एलन मस्क का साइंस के प्रति प्रेम ही उन्हें न्यूरोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप बनाने में इंस्पिरेशन दिया।
मानव ब्रेन के साथ AI टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना कोई इनसे सीखे। फलस्वरूप उन्होंने न्यूरालिंक स्टार्टअप का को फाउंड किया। 2016 में टनल बनाने वाले द बोरिंग कंपनी को भी स्टेब्लिश्ड किया गया। एलन मस्क एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को और फेमस बनाया। उनके बनाए गए OpenAI एक सही उदाहरण है। अपने बेबाक अंदाज और अजीब स्वभाव के वजह से उन्हें कई बार क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं, एलन मस्क के पास अभी 3 देशों के नागरिकता है, साउथ अफ्रीका, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स। एलन मस्क के 7 संतान हैं और मंगल ग्रह में मानव बस्ती बसाने में वो खास रुचि रखते हैं। इसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं। फ्यूचर में शायद उस मिशन में वो कामयाबी हो जाए। इसी आशा के साथ एलन मस्क का ये एपिसोड यही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा ये एपिसोड, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। धन्यवाद।